इस वीडियो में हम बैक्टीरियोफेज वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, स्पेसिफिकली M13 फेज वेक्टर के बारे में। बैक्टीरियोफेज वेक्टर्स वायरसेस होते हैं बैक्टीरिया के, बैक्टीरिया पर ये पैरासाइट करते हैं और उसके अंदर जाके उसको इन्फेक्ट करते हैं और बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोड्यूस करते हैं। बैक्टीरियोफेजेस के नाम को स्प्लिट करें तो बैक्टीरियल ईटर्स, दे आर बैक्टीरियल ईटर्स, और इनकी स्ट्रक्चर सिंपल होती है। इनके अंदर डीएनए या आरएनए प्रेजेंट होता है और जो कि जिसको सराउंड करती है प्रोटीन की कोट, जो एक प्रोटेक्टिव कोट होता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का कैप्सिड भी कहते हैं उसको। इनको हम एज अ वेक्टर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये एक्सेप्ट कर सकते हैं लार्ज पीस ऑफ फॉरन डीएनए, 5 से 25 KB तक का फॉरन डीएनए ये एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसलिए हम इनको एज ए वेक्टर यूज करते हैं। इनके एग्जांपल्स की बात करें तो P1, T7, T4, M13, L-lambda इनके एग्जांपल हैं। हम इस वीडियो में M13 फेज की बात करेंगे। M13 फेज जो था, इसको सबसे पहले आइसोलेट किया था म्यूनिच में, वेस्ट वाटर से सबसे पहले आइसोलेट किया था और तभी उसका नाम, इसका नाम पड़ गया M13 फेज। और जैसे कि हमने देखा कि मैंने अभी बताया कि बैक्टीरियोफेज वेक्टर्स में या डीएनए होता है या आरएनए होता है, तो जो M13 फेज होता है इसमें डीएनए होता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है, सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए M13 फेज में प्रेजेंट होता है और ये अपने होस्ट को, मतलब बैक्टीरिया के सेल्स को किल नहीं करता है, ये केवल उसको इन्फेक्ट करता है और उसका जो मैकेनिज्म है उसको स्लो डाउन करता है। अब हम देखेंगे कि किस तरह से ये M13 फेज बैक्टीरिया के अंदर जाता है और उसके अंदर जाके रेप्लिकेट करता है, अपनी ढेर सारी कॉपीज बनाता है। ये बैक्टीरिया का सेल है और ये है हमारा वायरस, हमारा वेक्टर, ठीक है। तो क्या होता है कि ये हम देख पा रहे हैं सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है विच इज सराउंडेड बाय प्रोटीन्स, जिन्हें हम कहते हैं प्रोटीन्स कहते हैं, और ये प्रेजेंट होती हैं बैक्टीरिया के पास पिलस, पिलाई, ढेर सारी पिलाई प्रेजेंट होती हैं सेक्सुअल कंजुगेशन के लिए, एक पिलाई को, एक और किसी एक को हम पर्टिकुलरली एफ पिलस कहते हैं। तो ये हमेशा बैक्टीरिया के अंदर एफ पिलस के थ्रू एंटर करता है, ये हमेशा बैक्टीरिया के अंदर एफ पिलस के थ्रू एंटर करता है, और अगर किसी बैक्टीरिया के पास एफ पिलस अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो ये बैक्टीरिया के अंदर नहीं जा पाएगा। बैक्टीरिया के अंदर जाते टाइम जब ये बैक्टीरिया के अंदर एंटर करता है तो अपनी जो प्रोटीन्स हैं उनको डिपॉजिट कर देता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर और अपने पास केवल 3 प्रोटीन्स रखता है जिनको हम पायलट प्रोटीन्स कहते हैं। ये पायलट प्रोटीन्स हेल्प करती हैं इसकी फर्दर रेप्लिकेशन में। उसके बाद क्या होता है कि ये जो पर्टिकुलर हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है इसको हम प्लस स्ट्रैंड कहते हैं। ये प्लस स्ट्रैंड अब क्या करेगा, अब ये डबल स्ट्रैंडर्ड बनाएगा खुद को, कैसे, अपनी एक कॉम्प्लीमेंट्री, एक और अपना डीएनए बना देगा, कॉपी, एकदम अपनी डिटो कॉपी बना देगा, कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा, लेकिन इसलिए हम उसको नेगेटिव स्ट्रैंड कहेंगे। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और इन दोनों को हम, तो ये साथ में क्या बन गया, ये बन गया डबल स्टैंडर्ड, और डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन गया और इसको हम नाम देते हैं आरएफ, रेप्लिकेटिव फॉर्म, इसे ये नाम दिया जाता है रेप्लिकेटिव फॉर्म का। उसके बाद क्या होता है कि अब ये बन गया डबल स्टैंडर्ड, अब इसका काम है रेप्लिकेशन करना। रेप्लिकेशन करने से पहले ये ट्रांसक्रिप्ट और ट्रांसलेट करेगा, ट्रांसक्रिप्ट करके ये आरएनए बनाएगा और आरएनए से फिर ट्रांसलेशन होगी और ये प्रोटीन्स बनाएगा। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये आरएनए बन गया और उसके बाद ये, इसने यहाँ पे प्रोटीन्स बना दी और ये बन गई प्रोटीन्स। उसके बाद क्या होगा कि ये तो था फर्स्ट स्टेप, उसके बाद रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी, तो सेकंड स्टेज में रेप्लिकेशन होगी, रेप्लिकेशन कराएंगे जीन टू प्रोटीन्स। जो जीन टू प्रोटीन्स होती हैं वो शुरुआत करती हैं रेप्लिकेशन की, कैसे, वो जो ये जो हमारे पास प्लस स्ट्रैंड होता है ये इसका एक फ्री एंड, इस प्लस स्ट्रैंड को ये बीच में से कट करके इसका एक फ्री एंड जिसे 3-OH prime एंड कहा जाता है वो बनाती हैं, और इस 3-OH prime एंड से क्या होता है कि इसके बाद फिर इसकी अनवाइंडिंग हो जाती है, अनवाइंडिंग होके जीन टू प्रोटीन की हेल्प से होती है और ये फिर इस तरह से कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बनती है और फिर इस स्ट्रक्चर से एक अलग सा ये अपने जैसा प्लस स्ट्रैंड बना देता है। अब ये एक प्लस स्ट्रैंड बन गया, हमने ऑलरेडी देखा कि जब भी प्लस स्ट्रैंड एक प्रेजेंट होता है तो वो किस तरह से अपनी रेप्लिकेटिव फॉर्म बनाता है, अपना एक कॉम्प्लीमेंट्री एक डीएनए स्ट्रैंड बनाता है, तो वैसे ही अब ये नया प्लस स्ट्रैंड करेगा, अपना एक कॉम्प्लीमेंट्री
डीएनए स्ट्रैंड बनाएगा नेगेटिव, जिसे हम रेप्लिकेशन फैक्टर कहते हैं, सॉरी रेप्लिकेशन फॉर्म कहते हैं। तो ऐसा होता रहेगा, अब ये फिर से सेम प्रोसेस में जाएगा और इस तरह से ये नए नए बनाते रहेगा। तो इस तरह से कॉलोनी बन जाती है बैक्टीरिया के अंदर इनकी, जिसकी वजह से बैक्टीरिया सीक हो जाता है और उसकी मशीनरी को भी एक नेगेटिव नेगेटिव अफेक्ट होता है। लेकिन क्या होगा कि जब ये बनेगा, अब कुछ केसेस में क्या होता है कि ये तो बनता रहेगा, कुछ केसेस में क्या होता है कि जैसे ये प्लस स्ट्रैंड बनेगा तो उसके सराउंडिंग में प्रोटीन्स खुद को अरेंज कर लेंगी। जो प्रोटीन्स इसने यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास डिपॉजिट की थी, वो प्रोटीन्स इसके सराउंडिंग में खुद को अरेंज कर लेंगी और इन्हें हम बाइंडिंग प्रोटीन्स कहते हैं। और ये बाइंडिंग प्रोटीन्स इसको अटैच कर लेंगी, उसके बाद क्या होगा, अब इसको बाहर जाना है। बाहर क्यों जाना है, क्योंकि इसी बैक्टीरिया में थोड़े ना रहना है, इसको और बैक्टीरिया को भी इसको इन्फेक्ट करना है, अपनी पॉपुलेशन को, जो कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है उसका काम होता है अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करना, तो इसको इसको भी अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज़ करनी है, तो ये बाहर जाएगा। तो अब बाहर जाएगा तो जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर बाइंड होंगी, कुछ बाइंडिंग प्रोटीन्स पहले आ जाएंगे इस पर, ताकि ये फिर नेगेटिव स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट ना कर सके और रेप्लिकेटिव फॉर्म ना बना सके। तो बाइंडिंग प्रोटीन्स आएंगी, उसके बाद जब ये बाहर जाने लगेगा तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर डिपॉजिट होंगी वो भी इसके पास चली जाएंगी, जैसे भी जाएंगी, और फिर ये दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा। तो यहाँ पर इसकी जो रेप्लिकेशन है और जिसका कॉपी कैसे बनाता है वो सब कंप्लीट होता है। और अब ये जो है ये इसकी स्ट्रक्चर है, इसके स्ट्रक्चर में डीएनए रेप्लिकेशन ऐसे सर्कल ये शो किया हुआ है, फिर उसमें जो बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं वो इसके पास प्रेजेंट होती हैं, कैप्सिड प्रोटीन इसके पास प्रेजेंट होती है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है ये एक सर्कुलर, और इसका जो साइज़ होता है वो 6.4 KB होता है। ये थी इसकी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कॉस्मिन वेक्टर्स के बारे में।